हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है फ्लॉकिंग इन बर्ड्स यानी पक्षियों का झुंड। इसका सिनोप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एडवांटेज ऑफ सोशल बिहेवियर एग्रेशंस, फ्लॉकिंग इन बर्ड्स, कंक्लूजन और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है, अनेक एनिमल ग्रुप को बचाते हैं जिससे कि सक्सेशन माइग्रेशंस को बढ़ा सके और प्रेडेटर्स से अपनी सुरक्षा कर सके। एक ही स्पीसीज़ के एनिमल के ग्रुप के कोपर एक्टिव रूप से लैंगिक व मातृत्व व्यवहार से डिटेल रूप में ऑर्गेनाइज्ड हो, जिसे ही सोसाइटी कहते हैं, जो कि अपने स्पीसीज मेंबर के परस्पर आकर्षण में बंधे रहते हैं। सोशल लाइफ का आधार मेंबर के बीच परस्पर क्रिया होती है, जो फूड वाटर अपने सोसाइटी लैंगिक आकर्षण का आधार प्रदान करती है। इसका डेफिनेशन से है, एनी इंटर रिएक्शंस बिटवीन वन इंड्यूस्ड ऑफ स्पीसीज विद अनादर मेंबर ऑफ द सम स्पीसीज नाउ सोशल बिहेवियर। थर्ड पॉइंट है एडवांटेज ऑफ सोशल बिहेवियर। एक ग्रुप एक एनिमल की अधिक केयरफुल होती है, ग्रुप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन इकोसिस्टम होता है, ग्रुप कम्युनल अथर्व एंड सिक्योरिटी के लिए कैपेबल होती हैं। फोर्थ है फ्लॉकिंग इन बर्ड। इसमें फर्स्ट है रीजन ऑफ बर्ड फ्लोकल। बर्ड के जरिए एक साथ वर्किंग डिक्रीज करती हैं ट्रैवलिंग के दौरान तथा फ्लॉक में ब्रीडिंग विंड तथा अन्य पक्षियों आसानी से उड़ सके तथा इससे उन्हें भी लाभ होता है, इसलिए बर्ड फ्लोकल में रहती हैं। कुछ बर्ड्स लाइक स्विंस, इरेज, गोनार्ड्स, फ्लेमिंग आदि जो कि साथ साथ फ्लाई को दर्शाते हैं, इनके उड़ान के दौरान फ्लॉक को ना वी शेप फॉर्म करता है। सेकेंड पॉइंट है काइंड्स ऑफ बर्ड फ्लो। ऑल बर्ड्स एक समान वाला फ्लो नहीं दर्शाती है, कुछ बिग फ्लॉक में तो कुछ स्मॉल फ्लॉक्स में तथा ये प्रोवेंट करती है जिससे समूह के सभी बर्ड्स इजीली मूव कर सके। थर्ड पॉइंट है ड्रूजेस ऑफ फ्लॉकिंग बिहेवियर। इसमें फर्स्ट है सेपरेशंस, ओविट इरोडिंग नेबर, ऐसा बिहेवियर जो किसी बर्ड का अपने नेबर या ग्रुप से एविडेंस का कारण बनता है। सेकेंड है एलिग्नेट एवरेज हेडिंग ऑफ नेबर बर्ड्स को अपने पड़ोसियों की औसत स्थिति की ओर बढ़ाता तथा एक यथार्थ चाल को प्रदर्शित करता है। थर्ड है कोहेशन, स्टीवर ओखर्ड एवरेज पोजीशन ऑफ नेबर ही है, लेकिन जो मुख्य अंतर है वह यह है अट्रैक्शंस की ओर बढ़ने को शो करता है। इसके अलावा बर्ड में मेजरमेंट भी होता है। इसका कंक्लूजन है फिशेस में शोलिंग द्वारा इस प्रकार सोशल बिहेवियर बना रहता है।